أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today, I am again going to teach you the remaining part, the incomplete para of your English lesson which is from short stories The name of this topic is Gilles You have already knows about this personality who was a great hero of Greek in other words we can see this region Yunnan which follows in West Asia so the narrator saw A man on the roadside whose name is Rose Beetle who has a large face and eyes like fox but wears a fantastic dress. This man wants to collect money from the people because he was in a poor condition and also physically challenged person. He was not able to earn some money because of his health problem. So I will read the second para of this lesson Bismillah ar-Rahman ar-Rahim the pockets of his coat hugged the contents almost spilling out jo usne coat pehna tha jo physically challenged insaan tha इसने जो कोट पहना था उसके कोट के बाहर बटन लगी हुई थी हिज पैच्ड ट्राउजर्स ड्रॉप्ड ओवर अ पेयर ऑफ लेदर शूज और जो उसने ट्राउजर्स पहन रखी थी उसके नीचे उसका लेदर जूत लेदर बूट पहना हुआ था लगा हुआ था दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर कैरीड ऑन हिज बैक बैम्बू केजेस फुल ऑफ पिजन्स एंड यंग चिकन्स और बाहर से वो बेचारा कमज़ोर लग रहा था इतना कमज़ोर लग रहा था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान महसूस होता था विद वन हैंड ही हेल्ड हिज पाइप टू हिज माउथ एक हाथ में उसको उसके साथ एक लाठी थी In the other hand, were held a number of lengths of cotton, to each of which was tied an almond-sized rose beetle. तो दूसरे हाथ में उसको एक धागा जैसा था तो जिस धागे में उसने बहुत से फूल बांधे हुए थे All of them flying around his head, trying to escape from the thread. और जब वो अपनी वो लाठी घुमाता था तो हर एक उसके सामने बैठने से गुरेज करता था तो वो दूर से ही इसका मुशाहदा करता था इस इंसान का रोज़ बीटल का तो इसका एक ख़ास मकसद था पैसे कमाना क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो एक तरफ से उसकी पोर कंडीशन थी और दूसरी तरफ से वो बोलने के काबिल नहीं था ही वॉज़ नॉट एबल टू स्पीक सम वर्ड बाई हिज टंग द थर्ड वन प्रॉब्लम
is that he was physically challenged. He was unable to work with his hands because of the health problem. He suffers a great health problem. So the narrator observes that his main issue was to collect some money from the people. So this was the main cause of his tune, which he sings in front of the people by his flute. When he was Roger, my pet dog, and me, the rose beetle man stopped, took off his ridiculous hat and swept us a low bow. तो जब ये नरेटर कहता है जब मैं भी उसका मुशाहिदा कर रहा था तो मेरे साथ मेरा एक कुत्ता था. I called the dog Roger. I put his name Roger. तो जब हम उसके सामने पहुँचे तो उसने अपनी हैट उतारी. He smiled at us. Put on his hat again. Raised his hands. तो जब उसने हमें देखा तो वो स्माइल करने लगा. वो मुस्कराया और उसने अपनी फिर अपनी हैट को अपने सिर पर रखी. And wrangled his leg bony fingers at me. और अपनी ये हड्डियों का ढांचा मेरे सामने रखा. यानी वो इस हमने खुद ही अंदाज़ा लगाया कि वो कितना बेचारा कमज़ोर था और वो ना बोल सकता था ना कुछ कर सकता था क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन था. तो प्रैक्टिकली हमें दिखाता था. आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन टू सम फिस्ता. ही नोटेड हिज हैड. तो मैंने उसे कहा कि आप मत इस मेले में आया है, इस सेलिब्रेशन में आया है. तो उसने अपने सिर से इनकार किया कि नहीं नहीं मैं उसकी खातिर यहाँ जुमा नहीं हुआ वो, बल्कि मेरा एक ख़ास मकसद था. रेज्ड हिज पाइप टू हिज लिप्स. उसने ये पाइप अपने ऊँटों होंठों के सामने रखी. एंड प्लेड ए लाइटिंग कैन ऑन इट. और कुछ सुनाने लगा. एंड देन स्टॉप्ड एंड जर्क्ड हिज थंब ओवर हिज शोल्डर. तो फिर अचानक रुक गया और अपनी अंगूठे को अपने शोल्डर के पास रखा. पॉइंटिंग बैक. तो पीछे से उसने इशारा किया. द वे ही हैड कम ही स्माइल्ड एंड रश्ड हिज फोर फिंगर एंड थंब टुगेदर. तो उसने फिर स्माइल किया, मुस्कराया और फिर अपनी इस फोर फिंगर को दिखाया हमें. एक्सप्रेसिंग दैट ही वांटेड मनी. तो मुझे यही समझ में आ गया, मैंने यही ऑब्ज़र्व किया, मैंने यही मुशाहदा किया कि मेरे दिल में यही दिमाग में यही ख्याल आया कि इस बेचारे का ख़ास मकसद रुपया जमा करना है, कुछ ड्यूस जमा करनी है. आई सडनली रियलाइज्ड दैट ही मस्ट बी अनएबल टू स्पीक. और मुझे रियलाइज्ड, आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने यही अक्स किया कि वो बेचारा बोलने के काबिल भी नहीं है. एक तो वो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर है और दूसरी तरफ से वो बोलने के भी काबिल नहीं है. सो Standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him. तो मैं इसी रोड पर खड़ा हुआ तो और मैंने उससे कुछ बात करनी शुरू की. एंड ही रिप्लाइड विद ए क्लेवर एक्शन. और उसने मुझे चालाकी से एक्शन से कुछ हरकत करने से मुझे सारी बातों का जवाब दिया. आई आस्क्ड व्हाट द रोज बीटल वाज फॉर. मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ का है. ही हेल्ड हिज हैंड. उसने अपने हाथ को उठाया. आउट डिनोट स्मॉल बॉयज टुक मी ऑफ द लेंथ ऑफ कॉटन फ्रॉम विच ए बीटल हंग एंड
रिलड इट रैपिडली अराउंड हिज हेड, तो उसने लड़कों से कहा कि आप मेरे इस दाए मुझे अपने साथ ले जाओ और मेरे हाथ को आप थामो। इमीडिएटली ही इंसेक्ट कैम टू हिल्स एंड स्टार्टेड ऑन द प्लेनेट लाइक सर्कलिंग पॉइंटिंग अप एट द स्काई। ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स, उसने अपने हाथों को भी बंद किया, स्ट्रेच किया आउट टू गिव अ डीप बजिंग। देन ही रिलड हिज बीटल्स अराउंड हिज हेड सो दैट दे ऑल स्टार्टेड टू बिजी क्विकली बज क्विकली। तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाना शुरू किया। तो ये था प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत इस रोज बिटल के बारे में, जो इसलिए जो ये नरेटर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं कुछ ना कुछ, जो इंसानों से कुछ तकाजा करते हैं, चाहे माली लिहाज से चाहे और किसी मदद के लिहाज से। तो ये नरेटर ने हमें इसकी तस्वीर यहाँ खींचे, हमें समझाने की कोशिश की है कि आपको इस दुनिया में जो नीडी पर्सन होंगे, मोहताज होंगे, उनके साथ आपको कैसा सलूक इख्तियार करना चाहिए।